ये है मेरा पुराने वाला मग गुरुजी का, जिसमें मैं उनको चाय प्रसाद देती थी, लेकिन ये क्रैक हो गया। तो मेरा मन नहीं मान रहा था संगत जी कि इसमें मैं गुरुजी को चाय दूं, और गुरुजी महाराज ने इसका भी इंतजाम कर दिया। ये नया मग मंगा के, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बहुत ही प्यारा मग है ये गुरु जी महाराज जी का। इतने सारे हंसते खेलते सब रूप बने हुए हैं संगत जी इसमें गुरु जी महाराज जी के, और साथ ही में ये सतगुरु आयन ये लिखा हुआ है। और ये बहुत ही प्यारी संगत है, कृष्ण अंकल उन्होंने मुझे ये कप प्रेजेंट किया है। तो शुक्राना कृष्ण अंकल जी, इतना प्यारा ये मग देने के लिए। और आज गुरु जी महाराज इसी में चाय पियेंगे, और मैंने इसको धो लिया है अच्छी तरह से। ये है गुरु जी की चाय परोंठी, नए नए कप में चाय। जय गुरु जी। गुरु जी जगह बनाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे गोलू मोलू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रज रज के साथ निवाना गुरु जी। तो प्यारे गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, बहुत दिनों से आपकी अनुराधा सोच रही थी कि स्पेशली आपसे बात करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन वक्त की कमी के कारण वो वीडियो नहीं बन पा रही थी। और बहुत सारे लोग मेरे हंसी मजाक भी मेरा लेते हैं कि अनु आंटी कैसे बोलते हैं, बीच में उनके शब्द कैसे होते हैं। तो भाई आपको समझ आना चाहिए, मैं तो हूँ ही गुरु नाम की जोकर, और मेरा काम है आपको हंसाना। और मेरी किसी बात से आपको हंसी आती है, जब मेरे कोई गलत शब्द के चुनाव से, जब बोलने से आपको हंसी आती है, तो इससे बड़ा मेरे लिए इनाम, मेरे लिए तोहफा क्या हो सकता है संगत जी। मैं अपनी गलतियाँ हाइड नहीं करती, ना ही मैं उनको एडिटिंग करती हूँ कि साफ कर दो। भाई गलतियाँ इंसान से ही होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला है। तो मेरी प्यारी संगत जी, जिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बिल्कुल निःशुल्क होता है जो, इसमें एक रुपया भी नहीं लगता, ना मेरा ना आपका। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो। मेरा मकसद इन वीडियोज़ को डालकर आपके सामने लाने का एक ही है संगत जी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी महाराज जी से जुड़ें। गुरु जी के महाराज जी के जो सत्संग संगतें शेयर करती हैं, वो मैं आप तक पहुँचा सकूं। और गुरु जी महाराज के कष्ट में इतने हो रहे हैं, कैसे कैसे सत्संग हम सुन रहे हैं अनोखे अनोखे, कैसे गुरु जी महाराज ने रोग बीमारियाँ ठीक की, किसी की खोई हुई चीज़ उनको वापस दिला दी, और किसी की वो दीवार पे पेंटिंग बना दी पेंसिल से। तो क्या क्या करिश्मे गुरु जी महाराज के ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहे हैं संगत जी, सिर्फ जम्मू में या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से गुरु जी महाराज के किससे चमत्कार ब्लेसिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो हम जम्मू वाले कितने ब्लेस्ड हैं भाई, जहाँ इतने करिश्मे हुए हैं गुरु जी महाराज के। तो प्यारी संगत जी, बहुत सारी संगत मुझे पूछती है कि आंटी जी अपने ग्रुप में हमें ज्वाइन कर लो, आपका कोई ग्रुप है? तो प्यारी संगत जी, मेरा पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है। शीतल आंटी और आरती आंटी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैं भी हूँ, परंतु मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ। तो उनके नंबर मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए होते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने नंबर उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, मेरा पर्सनली कोई भी ग्रुप नहीं है। हाँ जी, लेकिन संगत जी, फेसबुक पे मेरा गुरु जी महाराज की कक्षा चलती है रात के 10 बजे से 11 बजे तक, और उस कक्षा का नाम है जा ऐश कर, और उसमें होती हैं ढेरों बातें गुरु जी महाराज जी की, गुरु जी के सत्संग शेयर होते हैं प्यारे प्यारे संगतों के द्वारा, जिनको सुन के आप लोग भी ब्लेस होते हो, जो कि अभी तक गुरु जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं तब भी वो ब्लेस होते हैं, क्योंकि उनके कानों तक पहुँच रहे हैं गुरु जी के नाम, गुरु जी की बातें, गुरु जी के सत्संग उनके कानों को ब्लेस कर रही हैं। तो जब कान ही ब्लेस हो गए, तो सब पूरे पूरे हम स्लोली स्लोली ब्लेस होते जाएंगे। तो प्यारी संगत जी, जा ऐश कर फेसबुक पे एक मेरा अपनी कक्षा चलती है, गुरु कक्षा, तो जिसमें मैंने बताया आपको सत्संग भी शेयर होते हैं, और संगत अपनी चॉइस से भजन भी गुरु जी के सुनाती है, और ऐसे ऐसे भजन सुनने को मिलते हैं संगतों की चॉइस के, क्या कहने संगत जी, कि मज़ा आ जाता है, आनंद आ जाता है, और संगतों के सत्संग सुन के तो मन बाग बाग हो जाता है, कितने करिश्मे हैं। बात मुद्दे की बात में मैं आती हूँ। तो हर जगह शोर पड़ा होता है संगत जी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, तो बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन हमें हर जगह पर रखना चाहिए संगत जी, चाहे वो गुरु जी का सत्संग हो, चाहे वो माता रानी का सत्संग हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहाँ भीड़ भड़ाका हो, जहाँ थोड़ी ज़्यादा गैदरिंग हो, तो वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम
जरा सा भी हलचल करेंगे, जरा सा भी शोर शराबा करेंगे तो सभी की निगाहें इधर उधर हटेंगी, और चाहे वो कहीं भी हो तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी खलबली सी मचती है कहीं ना कहीं। तो शायद मुझे समझाना नहीं आ रहा आपको, लेकिन मैं जो डिसिप्लिन का सबसे पहला जो गुरुजी महाराज जी का रूल है संगत जी, तो आपको बुरा भी लगे तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं है जी, आप ही की भलाई की बातें हैं। और हमने भी जो सीखा है, गुरुजी महाराज ने जो सिखाया है, मेरे रब ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्यो ने, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबके घरों में भी बैठे हुए हैं, और अगर आपने गद्दियाँ नहीं लगाई हैं तो भी वो आपके घरों में बैठे हुए हैं। ये मत सोचिए कि हमने गद्दी नहीं लगाई तो हमारे घर में गुरु जी नहीं है। तो कुछ बातें आज मैं थोड़ी बहुत आपसे करूँगी शेयर। तो सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है संगत जी, सत्संग का टाइम 4 बजे है और हम डोलते डोलते पर्स लटकाते हुए 4:30, 5:15, 6:15, और कहीं तो संगत उसी वक्त आती है जब बिल्कुल लंगर प्रसाद खाने का वक्त होता है, तो ये गलत है संगत जी। अगर आप गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, अगर आपके मन में इच्छा है कि गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करें, तो समय से जाएं। खाली लंगर प्रसाद खाने से आप ब्लेस नहीं होंगे, जब तक आप वहाँ बैठ के 2 घंटे के भजन या 2 घंटे की गुरबानी या वो शब्द नहीं सुनेंगे जो कि आपकी बॉडी को प्योर करते हैं, आपकी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह आपकी बॉडी से निकालते हैं। जब तक आप अपनी बॉडी को प्योर नहीं करेंगे, अपने सोल को प्योर नहीं करेंगे, तब तक आपको लंगर प्रसाद भी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सत्संग सुनिए, किस्मत वालों को नसीब होता है, गुरुजी खुद चुनते हैं बंदे कि आज कौन मेरे सत्संग में आएगा। बिना गुरुजी के बुलावे के सत्संग में कोई नहीं आ सकता संगत जी, ध्यान रखिए। आप किस्मत वाले हो, आपको गुरुजी ने चुना हुआ है। अगर आपको कोई सेवा दी है तो आप कितने ब्लेस हो, आप सेवादार हो, तो आपको नाम दिए हैं जो गुरुजी ने, तो ये पहचानिए डिसिप्लिन एक्चुअली में क्या है। ये है सबसे पहला डिसिप्लिन कि समय से जाइए। गुरुजी डिसिप्लिन मांगते थे, सत्संग शुरू होता है तब से लेके आरती तक बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई है। हम भी बहुत सारे घरों में सत्संग के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं, पर कई संगतों को नहीं थोड़ा पता चलता, कई गुस्सा भी होती हैं, कई नाराज भी होती हैं, और कई बिल्कुल न्यू संगतें होती हैं जो फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड कर रही होती हैं, यानी कि जिनको कुछ भी नहीं पता होता, तो वो गुस्सा करती हैं। तो अगर कुछ भी गलत होता है ना, थोड़ा सा भी शोर शराबा पड़ता है ना, तो नाम सीधे डायरेक्ट सेवादारों का आता है कि कैसे सेवादार है, डिसिप्लिन नहीं है। संगतें अपनी मिस्टेक नहीं मानेंगी, नाम सेवादारों का चढ़ता है। तो संगत जी अकेले सेवादार मैनेज नहीं कर सकते, इसमें आपका भी हाथ और साथ चाहिए। देखिए 2 घंटे का वक्त निकाल कर, 2 घंटे का समय निकाल कर, आप इतनी मुश्किल से अपने घरों में फैमिलीज को छोड़ के आते हो, तो वो ब्लेसिंग ही ना आ पाओ तो फिर क्या फ़ायदा। फिर आप कहते हो कि हमें तो गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, हमें तो गुरुजी ने कुछ नहीं किया, तो वो करेंगे कैसे जब तक आप उनकी पूरी वो क्लास अटेंड नहीं करोगे। गुरुजी हमारे टीचर भी हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, गलत और सही की पहचान कराते हैं। गुरुजी डॉक्टर भी हैं जो हमारी रोग बीमारियां दूर करते हैं। गुरुजी मनोविशेषज्ञ भी हैं जो हमारे मन में जो गंदे विकार हैं, बुरी बातें चल रही होती हैं, उनको भी दूर करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं जब हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद लंगर प्रसाद का सेवन करते हैं। फिर हाँ जी क्या ये सारे तय करके ऊपर सोफे में रख दे, तो आज सारे भगवान जी के वस्त्र धोए थे, जन्माष्टमी का त्यौहार है तो वही ऊपर से आवाजें आ रही हैं, तो सॉरी संगत जी अगर आप डिस्टर्ब हुए। और दूसरी बात, एक और संगत जी की संगतें कहती हैं कि ये प्रसाद हम घर पे ले जाएं, ले सकते हैं आप, लेकिन संगत जी वो प्रसाद नहीं होता जो आप घर पे लेके जाते हो। जो आपको खाने की वस्तु दी जाती है ना, फुलका प्रसाद, दाल प्रसाद या पूरी प्रसाद या जो भी लंगर में बना हुआ हो, जो भी प्रसाद बना हुआ, तो वो उस चीज़ को जिस नाम से पुकारा जाता है ना, वही चीज़ लेके जाते हो। जैसे कि सपोज मेरी थाली में आलू पूड़ी परोसा गया है लंगर प्रसाद के रूप में, और वही आलू पूड़ी को अगर मैं वही गुरुजी के चरणों के पास बैठ के खाती हूँ सत्संग खत्म होने के दौरान, तो वो मेरे लिए ब्लेस्ड प्रसाद है जिसमें संजीवनी बूटी जितनी ताकत है।
जो मेरे अंदर की बॉडी को क्योर कर सकती है, मेरे रोगों को ख़त्म कर सकती है, मेरे माइंड को सेटअप कर सकती है, मेरे दिमाग को कूल कर सकती है, मेरे हर्ट को, मेरे दिल को, मेरे आत्मा को प्योर कर सकती है। उधर बैठ के खाओगे तो, और जब मैं पैक करके घर पे ले आई हूँ तो वो मात्र पूड़ी और आलू है। आई होप संगत जी आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहुत सारे परिवारों में भी मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंगर प्रसाद बना देते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा अगर आपकी इच्छा है, देखिए जिनके घरों में सत्संग होता है ना, उनके अपने मन के भाव होते हैं गुरुजी के प्रति कि हम ये खिलाएंगे, गुरुजी आएंगे तो हम ये करेंगे, हम खिलाएंगे, बिल्कुल सही है, आप बहुत खुश नसीब हो आपके घर में गुरुजी आए, लेकिन गुरुजी के प्रसाद को ना वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करेंगे तो आप खिलाएं प्यार से परोसे, लेकिन कम कम क्वांटिटी में, जिसको चाहिए होगा वो रिपीट मांग लेगा, प्रसाद मांगने में शर्म नहीं करनी। शादी के स्टॉल में, शादियों में जाते हैं तो देखा हम कैसे खड़े होते हैं, ओ टिक्की टिक्की जल्दी दो जल्दी दो, अच्छा वहाँ आइसक्रीम मिल रही है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, दो दो बार भी खाते हैं, जिसमें कि कोई ब्लेसिंग ही नहीं है, जिसकी ओवरईटिंग करके हम बीमार पड़ जाते हैं। और गुरु जी के प्रसाद में कितनी पावर है संगत जी, आपने नोटिस किया होगा, इतना सा हलवा प्रसाद हम खाते हैं, इतनी सी पूड़ी खाते हैं और हमारा पेट टुन, जैसे कि मानो हमने क्या खा लिया है, भारी हो जाता है, इतनी शक्ति है। तो गुरु जी के प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है। मैं बार बार कहती हूँ संजीवनी बूटी जितनी ताकत होती है, वही संजीवनी बूटी जो हनुमान जी अपने हाथ पे उठा के लाए थे और मूर्छित लक्ष्मण जी को सिंगाई थी, उन्होंने सुंगाई थी, सॉरी सिंगाई थी बोल दिया, फिर से कोई मेरी लाइन नोट करेगा सुंगाई थी और हनुमान सॉरी लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए थे, तो वही संजीवनी बूटी है गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल क्योर करता है। सारे विषैले तत्व जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सब निकालता है, हमारी बॉडी को प्योर करता है, प्योरीफाई करता है पूरा एकदम। तो बातें समझ आनी चाहिए, भले ही मैं गलत भी बोलूं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो लंगर प्रसाद में आप कुछ भी बनाएं, बहुत सारी संगत कहती है कि गुरुजी सादा भोजन नहीं पसंद करते थे तो ये करते थे, हाँ जी हम डुगरी में भी जाते हैं तो हमें चपाती प्रसाद ही मिलता है, दाल मिलती है, चटनी मिलती है, हलवा प्रसाद मिलता है, क्योंकि गुरुजी को चटनी बहुत पसंद होती थी। तो बहुत सारी संगतें कहती है नहीं आंटी हमारी इच्छा है तो हम क्या बनाएं, तो हमें मेन्यू डिसाइड नहीं करना है संगत जी, आपको खुद ही मेन्यू डिसाइड करना है, जो भी आप इजिली अपने घर पर बना सकते हैं, कैपेबल हो तो आप बनाएं। और सबसे ज़रूरी एक और बात, आजकल बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ना ही मैं किसी पे हाथ जोड़ के विनती, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्पेशली जाकर देखते हैं कि इनके घर में सोफ़ा है कि नहीं, इनके घर का हॉल कितना है, इनके घर में स्पेस कितना है, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग सत्संग करते हैं। तो ये सत्संग नहीं हुआ संगत जी, आप तो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो। अगर किसी के घर सोफा नहीं हुआ तो क्या वहाँ गुरुजी नहीं बैठेंगे? अब मेरे घर में इस तरफ सोफा नहीं है तो क्या मैंने गुरुजी को बिठाया नहीं है? ये टेबल है एक लकड़ी का, उस पे मैंने गुरुजी को बिठाया है, ये चेयर पे मैंने बिठाया है। तो अगर मेरे घर पे सोफा नहीं होगा तो क्या मैं गुरुजी का सत्संग नहीं करा सकती? तो ये धारणा अपने मन से निकाल दें। जो भी आपसे पूछता है ना कि आपके घर में सोफ़ा नहीं है तो बोलना जी नहीं हमारे पास गुरुजी हैं, तो अगर सोफ़ा है तो लगाइए, नहीं है तो जहां आपको गुरुजी के लायक शुद्ध पवित्र जगह दिखती है संगत जी, तो वहां पर गुरुजी महाराज को बिठाए और उनका सत्संग करें। नहीं कोई आता है तो मत आए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आपको हमें भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीसरे को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप समय खुद भी कर सकते हैं। बहुत बारी हम अपने यहाँ इस घर में, यानी कि मेरे प्यो के घर में, मेरे गुरुजी के घर में, मैं अकेली, मेरे हस्बैंड, हम ही मिलके करते हैं, किसी को भी बाहर से नहीं बुलाते, तो क्या गुरुजी खुश नहीं होते? उतने ही खुश होते हैं। ज़्यादा गैदरिंग से कोई ज़्यादा वो करेंगे हम तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। हाँ जब ओपन सत्संग होते हैं उसमें बहुत सारी गैदरिंग होती है। हाँ मेन संगत जी मुझे याद आ गया, बातों में बहुत सारी संगत मुझे बोलती है मैसेंजर में, मुझे कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप पे, आंटी जी आप हमें सत्संगों के लिए नहीं बताते। तो संगत जी मैं कैसे बताऊँ, किसी के घरों में जब सत्संग होते हैं तो मैं आपको कैसे बताऊँ? अगर एक संगत हो तो मैं उसको सुनाऊँ,
कितनी संगतें हैं जो सत्संग अटेंड करना चाहती हैं, तो मैं सभी को नहीं बता सकती कि फलाने के घर पे आज सत्संग है, क्योंकि सभी ने अपने घर में एक एस्टिमेट रखा होता है। बाकी गुरुजी की मर्जी, अगर आपको बुलावा आया होगा तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन जब ओपन सत्संग होता है तो स्पेशली एक वीडियो बना के डाल दी जाती है, जिसमें आप कभी भी सत्संग बिना किसी के बुलावे के भी जा सकते हो, क्योंकि गुरुजी का सत्संग एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आप बिना किसी जान पहचान, बिना किसी के बुलावे से भी जा सकते हो, और कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। अगर आपको कोई रोकता भी है, टोकता भी है, तो शायद वो गुरुजी के रूल्स नहीं जानता है कि इनको रोकना है कि नहीं, उसको पता नहीं होगा कि आप गुरुजी की इच्छा से आए हो। और अगर जम्मू में रह के कोई गुरुजी का सत्संग अटेंड करना चाहता है डेली, तो डेली यहाँ नहीं होते जहाँ तक मैंने सुना है। शुक्राना हाउस जो ध्रुव अंकल का घर है, जिसका आजकल नाम जम्मू कुछ करके है, जम्मू गुरुजी, तो जैन बाज़ार में, उनके घर में मुझे इतना पता है कि एवरी थर्सडे को 4 से 6 बजे तक सत्संग होता है गुरुजी महाराज जी का, तो आप वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं। बाकी ऐसे लोगों के घरों में संगत जी थोड़ा बुलाना मुश्किल हो सकता है, तो आप समझे एक दूसरे को। और जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, अगर जिनके पास स्वरूप नहीं है अभी तक, जिनके पास स्वरूप नहीं है अभी तक, उनसे कह रही हूँ, जिनके पास स्वरूप नहीं है, जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू से बाहर में ये सेवा नहीं दे सकती, क्योंकि गुरु जी ने एक सेवा शुरू कराई है कि जिनके पास स्वरूप नहीं है तो फैमिली के एक बंदे को एक ही स्वरूप मिलेगा। और स्वरूप का साइज मत देखा करें, बड़ा है कि छोटा, साइज नहीं होता। मेरे जो करके सबसे पहली ब्लेसिंग मेरी आई थी, मेरे खुद के पैसों से आई थी। लोग बोलते हैं ना पैसों से नहीं खरीदना, तो मैंने पैसों से लाई थी। शायद गुरुजी को वैसे ही आना था मेरे घर पे, क्योंकि गुरुजी की इच्छा होती है, तो वो ब्लेसिंग वो है। संगत जी मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे करके दिखाती हूँ। संगत जी मैं कैमरा, एक मिनट, मैं पास जाके दिखाती हूँ आपको खड़ी होके। तो मेरी पहली ब्लेसिंग कौन सी और उसका साइज देखिए। और जब वो एक ब्लेसिंग आई थी ना, तो मैं उतनी सी ब्लेसिंग को भी तरसती थी, और आज तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि हर जगह ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो ये है मेरे घर की पहली ब्लेसिंग, जो कि कोरोना के टाइम पे मेरे घर पे आई थी, वो भी पैसों के साथ। ये है पहली ब्लेसिंग। और उसके बाद तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की कमी ही नहीं रहने दी संगत जी। तो इसीलिए ज़्यादा बहमों में ना पड़ें, गुरुजी ने जैसे आपके पास आना है तो वैसे ही आएंगे। और बस एक ही बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी सत्संगों में जाते हो तो टाइम से जाएं, टाइम की पंचुअलिटी को पहचानें। सत्संग के दौरान छोर मत डालें। सत्संग जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ श्रद्धा भाव से, प्रेम से लंगर प्रसाद का सेवन करें। लंगर प्रसाद से आपकी कितनी रोग बीमारियाँ ठीक होंगी। उसके बाद गुरु नाम की ऐश कीजिए, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग के बाद जो मैं थानू नचांदा तो थोड़े शरीर के सारे कष्ट दूर होंगे। तो बाकी गुरु जी देखेंगे, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो गुरु जी सिखाएंगे कि मेरे बच्ची मेरे बच्चों आप यहाँ पे गलत हो, सही करो। क्योंकि हर एक बंदा गुरु जी से कनेक्टेड हुआ है, और जो कनेक्टेड हुआ है उससे गुरु जी महाराज बातें करते हैं, कभी उनके विचारों में तो कभी उनके दिमाग में आके, और कभी उनके ड्रीम्स में आके। और जैसे मैंने अपना पिछले दिनों एक सत्संग शेयर किया कि आजकल मेरे साथ एक अनोखी वारदात हो रही है, एक कान में एक हवा का से झोंका सा आता है और कुछ बोलता है और चला जाता है। तो गुरुजी महाराज के करिश्मे है, और ये यकीन भी वही करेगा जिनके साथ ऐसा होता हुआ होगा। मैं नहीं कहती कि केवल मेरे साथ ही ऐसा हुआ है और मैं ही वो हूँ, और भी बड़ी सारी संगत है जिनके साथ ये सब हो रहा होगा। तो सत्संग शेयर करना चाहिए, बाकी ज़्यादा हार्ड रूल कोई भी नहीं है। गुरुजी खुद एक खुश मिजाज पर्सनैलिटी थे, आपने कितनी उनकी वीडियोज़ देखी हैं, थे नहीं एक्चुअली हैं, मैं नहीं थे कह सकती, मुझे माफ़ी देना मेरे प्यो। मैंने इतना उनका एहसास अपने साथ फील किया है, और शायद मैं अब यहाँ बैठी हूँ तो वही मेरे को पुश कर रहे हैं कि ये भी बोल, ये भी बोल, ये बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। और अंग संग होते हैं संगत जी सभी के, वो सभी के अंग संग, सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के अंग संग। बस दिल से मान के तो देखिए, अपने जीवन नैया अपने जीवन के डोरिन पे सौंप के तो देखिए, ये तो ही बात है। और आजकल हम गुरुजी को कम रिझा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा रिझा रहे हैं। वो कैसे, आप सोचोगे अनुआंटी क्या बोल रही है। तो संगत जी क्या होता है, कईयों के घरों में सत्संग होते हैं तो वो बोलते हैं फलाने बंदे को नहीं बुलाना, क्योंकि
जिनके घर में सत्संग है उनकी जो आगे दोस्त है या उनके जो आगे रिश्तेदार हैं वो उनको पसंद नहीं करते। भाई आप शादी का कार्ड डाल रहे हो कि सत्संग करा रहे हो, जो आप गिन गिन के चुन चुन के बंदे बुला रहे हो, गुरुजी के हुक्म से आते हैं सब, तो आप इसमें भी चुनाव एक आपने रख दिया, तो आप एक लॉटरी डाल दो ना, लॉटरी टिकट निकालो किसका लकी ड्रा निकला है। तो गुरु भक्ति को पहचानिए, गुरु जी की शक्तियों को मानिए, ऐसे खेल मत खेलिए कि फलाने बंदे की उसके साथ नहीं बनती है, उसको नहीं बुलाना जी, नहीं जी उसमें ये है, ईगो है, वो है। भाई आप कौन होते हो तय करने वाले कि फलाने बंदे में क्या है? आपने कभी खुद में जान के बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो अपन में जान के आप मुझसे बुरा ना कोई। तो सबसे पहले खुद में जान के कि क्या आप परफेक्ट है, आप सही हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो सही है रास्ता। तो सबसे पहले खुद में दोष ढूंढिए, दूसरों में नहीं। ये कुछ बातें मैंने मेरे को आपसे क्लियर करनी थी। सोफे वाली बात भी हो गई, लंगर प्रसाद वाली बात भी हो गई, और बात सजावट की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सजावट नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल सही है, बेसजा मनी है। देखिए गुरु जी ने आना होगा तो गरीब की कुटिया में भी आ जाएगा, और जिस अगर नहीं आना होगा तो आप करोड़ों की सजावट करा लो, नहीं आना को तो नहीं आएंगे, गुरु जी की इच्छा है। तो लेकिन कोई अगर कराता है ना, हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सबके मन के वही बात आ गई, वाह अब जैसे मुझे अच्छा लगता है मेरे कमरे में ये भी लगे गुरु जी का, यहाँ भी कुछ हो, ऊपर भी मैं झूमर लगाऊं, तो ये मेरे मन के भाव है, मेरे मन की श्रद्धा है अपने प्यो के प्रति कि मैं उनको कैसे देखना चाहती हूँ, क्या क्या उनके लिए करना चाहती हूँ, भले ही कोई मना भी कर रहा हो, लेकिन जी मेरे अंदर की फीलिंग्स है। वैसे ही हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि संगतों के पास जवाब होते हैं। संगतें कहती है अगर ऐसा है तो फिर बड़ा मंदिर देखो कितना सजा होता है, फिर वो क्यों सस्ता है जब भी कोई दिन त्यौहार होता है। तो वैसे ही हमारा भी मन करता है, तो इसलिए हम किसी को रोक टोक नहीं सकते। तो संगत जी कुछ बातें थी आपके साथ जो मैंने शेयर करनी थी, तो आज घर बैठी थी तो सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। और कोई भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अनु आंटी आपने ये बात बिल्कुल गलत बोली है, ये अच्छी नहीं थी। और फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, मेरा पर्सनली कोई ग्रुप नहीं है, आरती आंटी और शीतल आंटी का ग्रुप है जय गुरु जी जायश्कर, और उसी में उसी के दो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए होते हैं। मेरा जो गुरु कक्षा चलती है रात को 10 से 11 बजे, वो जा ऐशकर है उसका नाम, और जो फेसबुक पेज एक पेज है, इसके अलावा मेरी कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय गुरु जी के। मेरा गुरु गुरु आंदा पीर गुरु दिया कीरी सा, मेरा गुरु गुरु आंदा पीर गुरु दिया कीरी सा, तो रिसा गुरु जी की है भाई, एक दूसरे से रिस मत करो, भक्ति में डूबो, गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होवो और ब्लेसिंग्स पाओ, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाना, नंगे आए नंगे जाना, जिंदगी की ये सच्चाई पहचान लो, मिट्टी का था ना मिट्टी में मिल जाना, पता नहीं लकड़ी में नसीब होने की नहीं, याद कर लो वो पल कोरोना में लकड़ियां भी लोगों को नसीब नहीं हुई है। तो जो भी होता है हमारे साथ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिलता है होता है, और पहले हमें अपने 100% कर्म भुगतने पड़ते थे, पर जब से ये गुरुजी महाराज जिंदगियों में आए हैं तो कर्म भी कट गए हैं, 90% तो गुरुजी काट देते हैं और जो 10% होते हैं वही हमें काटने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी की शक्ति भक्ति हिम्मत प्यार मान सम्मान ये सब दिलवाते हैं ना गुरुजी हमें, तो गुरुजी की ये एक कृपा है हम सब पे, कृपा बरसा रहे हैं, तो कृपा को पाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, पर सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास होता है, चाहे गलत बोलती हूँ चाहे सही बोलती हूँ, चाहे होंठ कांपते हैं चाहे लड़खड़ाती हूँ चाहे चेहरा अजीब सा होता है, पर जो भी होता है पियो की मर्जी से होता है, इनके नाम की जो करूँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो आप भी कीजिए। जय गुरु जी, जयकारा मेरी माँ शेरों वाली का बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे डुगरी वाले का बोल सांचे दरबार की जय।